अरे पहले इस घर में हम लोग तीन मुश्किल से फिट आते हैं और तूने चौथे को भी इनवाइट कर लिया। ओए राक्षस के बच्चे, किसी बेगर के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? ए, ज्यादा इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है क्या? और वैसे भी फॉर माई काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर किसका है? रावण का। तेरा तेरा तेरा। हाँ, तो मेरा ये फैसला है कि ये जनाब इस घर में नहीं रहेंगे, ना एक रात के लिए ना ही एक पल के लिए, समझी? देखिए भाई साहब, ये भाई साहब मैं, हेलो, यहाँ हूँ। वो हमने इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप समझ गए, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। जी वो क्या है कि आदमी छोटा कितना भी हो, जगह तो लेता ही है। अच्छा कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच, सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल, बाय बाय। एक्सक्यूज मी जी, आपके पास वो कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स होंगे? आपको न्यूज़पेपर्स क्यों चाहिए? देखिए वो क्या है कि रात को बाहर बहुत ठंड पड़ जाती है ना। बाहर से आपका मतलब है रास्ते पर, ऑन द रोड? ऑब्वियसली, और कहाँ सोएगा एक बेघर इंसान। और फिर मौसम विभाग ने बताया भी है कि आज रात को बहुत ओस पड़ेगी और बहुत ओले भी गिर सकते हैं। कहाँ जाएंगे आप? देखिए चूंकि आपके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और इस घर में बहुत जगह है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आज ओले गिरने वाले हैं, तो एक रात के लिए आप हमारे साथ क्यों नहीं रह जाते, क्यों? है ना? हाँ, थैंक यू। मैंने तो कहा था तुम्हें रावण का बच्चा बुला दिया था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अमित यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। अरे आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए देखिए भाई साहब, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इन द किचन। क्या है कि ये मेरा बिस्तर है, मैं यहाँ सोता हूँ, आप अपना बिस्तर वहाँ लगाइए किचन में। व्हाट व्हाट, घर आए मेहमान की ऐसी इज्जत करोगे तुम? मेरा मतलब ये था कि अमित, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या? तू सोफे पे सो जा, ये हैंडल पे सो जा। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि हैंडल पे सो जाऊंगा। वैसे भाई क्या होगा, तुम क्या इस फ्लैट में इन दोनों लड़कियों के साथ से अकेले रहते हो? जी हाँ, अकेले रहता हूँ। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लगे रहो।